प्रियम, मायावती ने अलग राह पकड़ ली है। अब उन्होंने कह दिया है कि 2024 में वो अकेले ही लड़ेंगी। जू ही देखिए, ये ऐसा नहीं है कि जब पहली बार मायावती ने आज इस तरह की घोषणा करी। इससे पहले भी वो कई बार इस बात को साफ तौर पर कह चुकी थी कि 2024 लोकसभा चुनाव बीएसपी जो है वो अकेले अपने दम पर लड़ेगी। आज उनका जन्मदिन है और जन्मदिन के अवसर पर जिस तरीके से कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है, उस बीच मायावती ने आज साफ तौर पर कह सकते हैं कि आज अपने जन्मदिन के अवसर पर समाजवादी पार्टी हो, बीजेपी हो, सभी पर हमला बोला। और उन्होंने साफ तौर पर इस बात को भी कह दिया है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में बीएसपी किसी के साथ भी गठबंधन नहीं कर रही है, यानी कि सभी 80 लोकसभा सीटों पर बीएसपी अपने प्रत्याशियों को उतारेगी और स्वतंत्र रूप से अपने जो चुनाव है वो पार्टी लड़ेगी, किसी के साथ भी गठबंधन नहीं करेगी। पिछले कई दिनों से इस बात के कयास लगाए जा रहे थे कि शायद INDIA गठबंधन जो है उसमें मायावती जो है वो शामिल हो सकती हैं। कांग्रेस की तरफ से कई बार इस तरीके के बयान दिए गए कि हमारे कई नेता जो हैं वो बीएसपी के संपर्क में हैं और वो चाहते हैं कि बीएसपी भी इस गठबंधन में शामिल हो। और साफ तौर पर पिछले कुछ दिनों पहले जैसे अखिलेश यादव और मायावती के बीच में तीखी तलखियाँ देखने को मिली थी, मायावती ने बाकायदा ट्वीट करके कहा था कि सपा जो है वो दलित और पिछड़ों की विरोधी है। चुनाव से पहले ये दलितों और पिछड़ों की बात करते हैं लेकिन सत्ता में आने के बाद ये उन सभी को भूल जाते हैं। तो ऐसे में इसको लेकर भी अखिलेश यादव ने भी अपनी तीखी प्रतिक्रिया दी थी और उन्होंने कहा था कि वो कुछ लोगों के पोस्ट नहीं पढ़ते हैं और किसी के साथ भी बीएसपी के साथ में उनका कोई गठबंधन नहीं होने वाला है। हालांकि उसके महज एक दिन बाद ही उनका हृदय परिवर्तन हुआ और उन्होंने अपने अगले दिन की बैठक में अपने सभी कार्यकर्ताओं नेताओं को हिदायत दी थी कि वो मायावती पर किसी भी तरीके की टिप्पणी ना करें। मायावती सीनियर लीडर हैं और उनका वो भी जो है सम्मान करते हैं। तो इस बात के बाद कयास लगाए जा रहे थे कि शायद आज जन्मदिन के अवसर पर मायावती जो हैं वो गठबंधन में शामिल होने को लेकर शायद ऐलान कर सकती हैं या रुख अपना स्पष्ट कर सकती हैं, लेकिन आज उन्होंने अपना रुख स्पष्ट किया है और उस रुख में इन्होंने साफ कर दिया है कि बीएसपी अब किसी के साथ भी गठबंधन में शामिल नहीं होगी और स्वतंत्र रूप से उत्तर प्रदेश के अंदर चुनाव जो हैं वो लड़े जाएंगे। इसके अलावा बीजेपी पर भी मायावती ने हमला बोला है और उन्होंने साफ तौर पर कहा कि बीजेपी जो है वो सांप्रदायिक पार्टी है, जातिवाद तरीके से जो है वो कार्य करती है, तो वो बीजेपी के साथ भी नहीं है। ईवीएम पर उन्होंने हमला बोला और उन्होंने कहा कि ईवीएम को लेकर भी कई तरीके के सवाल जो हैं वो लगातार उठते रहे हैं। तो कह सकते हैं कि आज मायावती ने सभी चीज़ों को लेकर अपनी बात स्पष्ट तौर पर रखी। उन्होंने कहा कि खाली जो अन्य राजनीतिक दल हैं वो राजनीति के लिए जातिवाद की बात करते हैं, दलितों पिछड़ों की बात करते हैं, लेकिन सत्ता में आने के बाद वो हर तरीके से इन लोगों को केवल अनदेखी करते हैं और बीएसपी इसीलिए जो चुनाव लड़ेगी तो वो अकेले दम पर लड़ेगी और वो अगर पावर में आती है, सत्ता में आती है, तो इनके पिछड़ों के, दलितों के हक की बात को पार्टी जो है वो मजबूती के साथ रख पाएगी। जी प्रियम, उन्होंने ये भी कहा है कि बसपा को अपर कास्ट का वोट नहीं मिलता है। बिल्कुल, देखिए साफ तौर पर ये माना भी जाता है कि अपर कास्ट का जो वोट है वो बसपा को नहीं मिलता है। हालांकि अगर आप बात करें 2007 में जो बीएसपी की सरकार बनी थी उसका एक अहम जो उसमें कह सकते हैं जो समीकरण था वो ये था कि ब्राह्मणों का साथ बीएसपी को उस समय मिला था और 2002 से लेकर 2007 तक जो सपा का शासनकाल था उस बीच में जिस तरीके से माहौल बना था, अराजक तत्व जो थे वो बड़े थे, गुंडागर्दी बड़ी थी, उससे परेशान होकर लोगों ने मायावती को ऑप्शन के तौर पर चुना था और उस बीच में उन्होंने उसमें ब्राह्मणों का भी साथ मिला था। तो ऐसे में ये बात उनका कहना कि बीएसपी को अपर कास्ट का साथ नहीं मिलता, ये शायद थोड़ा सा कहीं ना कहीं विवादित जरूर है, क्योंकि अगर आप देखें तो जरूर मुख्य रूप से बीएसपी जो है वो दलितों की पार्टी मानी जाती है, पिछड़े वर्ग के लिए जो है वो पार्टी मानी जाती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि उसको सामान्य वर्ग का या फिर अगड़ों का साथ नहीं मिला है। अगर आप देखें तो 2007 में जो बीएसपी सत्ता में आई थी उसकी एक मुख्य वजह यही थी कि ब्राह्मणों का साथ बीएसपी को उस समय मिला था और उसी के दम पर बीएसपी जो है वो सत्ता में उत्तर प्रदेश के अंदर काबिज हुई थी। लेकिन हालांकि अभी जिस तरीके से उन्होंने कहा है कि अपर कास्ट का वोट बीएसपी को नहीं मिलता है तो इसके पीछे भी जरूर कोई ना कोई उनकी वजह होगी। उसको कह सकते हैं राजनीति में अलग अलग तरीके से बातें कही जाती हैं जिसके चुनावी फायदे मिल सकें, तो बीएसपी का भी मायावती का भी जो ये बयान है वो कहीं ना कहीं इसी से प्रेरित नजर आ रहा है। जी उन्होंने कहा है कि गठबंधन से जो है पार्टी को हमेशा नुकसान ही होता है, तो किस नुकसान की वो बात कर रही है, क्या डर है उन्हें गठबंधन में जुड़ने से? देखिए नुकसान की बात करें तो जिस तरीके से इससे पहले समाजवादी पार्टी के साथ में बसपा ने गठबंधन किया था 2019 के लोकसभा चुनाव में, हालांकि बीएसपी को उस दौरान फायदा ही हुआ था कंपैरिजन टू समाजवादी पार्टी। अगर आप कंपेयर करें तो समाजवादी पार्टी के जो सीटें थी वो नहीं मिल पाई थी। उसके बाद साफ तौर पर अखिलेश यादव ने भी कहा था कि
बीएसपी का जो वोट है वो समाजवादी पार्टी में ट्रांसफर नहीं हो पाया या मायावती उसको नहीं करा पाई, जबकि समाजवादी पार्टी के जो वोटर थे वो बीएसपी में ट्रांसफर हुए थे, उन्होंने अपने जो वोट थे वो बीएसपी के प्रत्याशी को दिए थे और यही वजह थी कि बीएसपी के जो कर सकते हैं सांसदों की संख्या थी उसमें इजाफा हुआ मुकाबले अगर 2014 की बात की जाए तो कहीं ना कहीं। लेकिन जाहिर सी बात है कि शायद उतने बेहतर परिणाम नहीं आए थे जिसकी उनको अपेक्षा थी दोनों ही दलों को, तो शायद उसी को प्रेरित उसी से कह सकते सबब लेते हुए मायावती ने इस बात को कहा है कि गठबंधन होने के बाद में उस तरीके से सीटें नहीं मिल पाती हैं जिस तरीके से स्वतंत्र होकर सीटें जो है वो जीती जा सकती हैं, चूँकि 2019 के चुनाव में बीएसपी जो थी वो समाजवादी पार्टी के साथ में उतरी थी, तो ये कहीं ना कहीं शायद वो इफेक्ट है जिसको मायावती चाह रही हैं कि और शायद उसी से सबक लिया है उन्होंने कि इस बार उन्होंने अकेले दम पर अपने चुनाव लड़ने का फैसला किया है। जी प्रियम, इंडिया गठबंधन में जो है बसपा को लेकर कांग्रेस और सपा के बीच जो है काफी मनमुटाव भी देखने को मिला था और अब मायावती ने अपना स्टैंड जो है वो क्लियर कर दिया है, तो इससे इंडिया गठबंधन को कितना बड़ा झटका लग सकता है? साफ तौर पर उत्तर प्रदेश में देखिए जाहिर तौर पर INDI चाह रहा था कि BSP भी उसके साथ में शामिल हो, चूंकि अगर उत्तर प्रदेश के अंदर BJP के विजय रथ को रोकना है तो सभी दलों को एक साथ आना जरूरी है, चूंकि अब अगर BSP अलग लड़ेगी और INDI गठबंधन अलग तरीके से लड़ेगा और BJP लड़ेगी तो इसमें साफ तौर पर जो नुकसान है वो इंडिया गठबंधन को ही होने वाला है, चूँकि BSP की जो मौजूदा वक्त में स्थिति है वो शायद उस तरीके से सभी कैंडिडेट्स की जीत की नहीं है जो समीकरण बन रहे हैं उस लिहाज से देखें या पिछले जो चुनाव के नतीजे देखे तो ऐसा नहीं है कि BSP को पास में बहुत बड़ा वोट बैंक है। जरूर 21% दलित मतदाता जरूर हैं उत्तर प्रदेश के अंदर जो मुख्य रूप से BSP के कोर वोटर माने जाते हैं, लेकिन पिछले चुनाव में हमने देखने को मिला है BJP उनमें भी सेंधमारी करने में कामयाब रही है, तो ऐसे में BJP का लक्ष्य है कि सभी दलों के जो कह सकते हैं कि सभी वर्ग के जो मतदाता हैं उनको अपने साथ में लाया जाए। अब ऐसे में जब BSP अलग चुनाव लड़ेगी, सपा इंडिया गठबंधन अलग चुनाव लड़ेगा, तो इसका साफ तौर पर कह सकते हैं कहीं ना कहीं नुकसान जो है वो विपक्ष को ही होगा और इसका साफ तौर पर फायदा जो है वो चाहेगी BJP पूरी तरीके से कि उसको मिले। जी, उन्होंने कहा है कि धर्म के आधार पर जो है राजनीति करना ठीक नहीं है, ऐसा BJP को लेकर कहा है। BJP पर देखिए चाहे सपा हो चाहे BSP हो सभी इस तरीके से आरोप लगाते रहे हैं कि BJP जो है वो धर्म को लेकर राजनीति करती है, वो एक विशेष धर्म को लेकर जो है उसकी तरफ से कार्य किए जाते हैं, हालांकि BSP हमेशा से इस बात को ठुकराती रही है, लेकिन जिस तरीके से उसकी छवि है वो जाहिर सी बात है एक हिंदुत्व पार्टी की छवि जो है वो BJP की मानी जाती है और 22 तारीख का जो कार्यक्रम भी है अगर आप देखें तो इसीलिए उसको इतनी भव्यता का रूप दिया जा रहा है। BJP हर तरीके से उसको पूरी तरह से कह सकते हैं भुनाने का प्रयास कर रही है और इसीलिए पूरे प्रदेश के अंदर अलग अलग तरीके के जो कार्यक्रम है वो आयोजित किए गए हैं, देश के अन्य कोनों में भी इस तरीके के कार्यक्रम जो है वो आयोजित किए गए। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगर आप बात करें तो वो देखिए तीसरी बार लगातार इस कार्यक्रम में जो है वो अयोध्या पहुंच रहे हैं और वहां के बाद से ही वो अपनी जनसभाओं की शुरुआत करेंगे, तो 22 तारीख को पहले वो अयोध्या पहुंचेंगे और 25 तारीख से उनके 2024 के लोकसभा चुनाव की रैलियों के जो है वो शंखनाद होने जा रहा है। अलीगढ़ से जो जानकारी उसके मुताबिक वो अपनी रैली की शुरुआत करेंगे, तो कह सकते हैं कहीं ना कहीं BJP धर्म की जरूर कहीं ना कहीं कह सकते हैं अपने आपको ये बात जरूर कहती है कि वो सबको साथ में लेकर चलना चाहती है, लेकिन जाहिर तौर पर हिंदुत्व छवि वाली पार्टी है BJP और उस पर कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि उसका उसको फायदा भी मिला है और इसीलिए वो उसको अपना बरकरार भी रखना चाहती है। जी प्रियम, बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए।